हेलो दोस्तों, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए स्पेशली पटवारी के लिए मैथ्स का नया पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको पटवारी तो आपके पास मेनली लिया ही जाएगा, लेकिन पटवारी के साथ साथ और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखो, नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, जहां से मैथ्स स्टार्ट होती है वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम में केवल और केवल कंपटीशन में जहां पे पढ़ते हैं अपन, केवल डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? केवल डेसिमल सिस्टम। केवल और केवल डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। क्या पढ़ते हैं? दशमलव पद्धति पढ़ते हैं। देखो, इसके नाम से डिनोट हो रहा है दशमलव पद्धति, यानी कि इसमें केवल कितने अंक होंगे? दस अंक होंगे। कितने अंक होंगे? दस अंक होंगे। और वो क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दशमलव पद्धति के अंतर्गत मैथमेटिक्स में केवल आप क्या पढ़ते हो? दस अंक पढ़ते हैं। दशमलव पद्धति यानी किसके नाम से डिनोट होता है? दशमलव यानी कि दस अंक होंगे। इसमें कितने अंक होंगे? दस अंक होते हैं। और इन्हीं दस अंकों से मिलके आपका क्या बनता है? नंबर बनता है। क्या बनता है? इन दस अंकों से मिलकर आपका नंबर बनता है। और इन नंबर को एक सिस्टमेटिक पढ़ा जाए मैथमेटिक्स के अंतर्गत, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? नंबर सिस्टम। क्या? सिस्टमेटिक किसी चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। और किसका कर रहे हैं अपन? नंबर्स का कर रहे हैं। इन दस अंकों से जितने भी नंबर बनते हैं, इनफाइनाइट नंबर बनते हैं, उन नंबर का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है वो। किसके अंतर्गत? नंबर सिस्टम के अंतर्गत। क्या चीज आई है आपकी? कि अंकों से मिलके संख्या बनती है, और संख्याओं का यदि अध्ययन आप एक प्रोसीजर से करते हो, एक सिस्टमेटिक एक तरीके पूर्ण करते हो, वो क्या कहलाता है आपका? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कहलाता है। देखो, इसके बाद हम बात करते हैं क्या? संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? संख्याओं की बात करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया कि दशमलव नंबर सिस्टम में केवल और केवल अपन क्या पढ़ेंगे? दशमलव पद्धति पढ़ेंगे। दशमलव पद्धति में कितने अंक होते हैं? दस अंक होते हैं। और इन दस अंकों से मिलकर क्या बनेगी? संख्या पढ़ेंगी। क्या बनेगी? संख्या। अब आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की संख्या होती है। जैसे मैं बोलता हूं कि प्राकृत संख्या, जो मेनली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है कि प्राकृत संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। और जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, कहां से? एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। वह संख्या क्या कहलाती है आपके? प्राकृत संख्या कहलाती है। नेचुरल नंबर कहलाता है। क्या? जो नेचर से आपको प्राप्त है, एक से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। उसके बाद में ले लेता हूं आपकी क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर क्या हो जाएगा आपका? W से डिनोट करेंगे इसको। किससे डिनोट करेंगे? W से। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? कि ऐसे नंबर जिनमें, ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें जीरो भी शामिल कर दिया जाए। क्या? वह प्राकृत संख्या है जिसमें जीरो शामिल कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? जीरो शामिल कर दिया जाएगा वो क्या कहलाएगी आपकी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या जो एक से लेके इनफाइनाइट तक जाएगी, पूर्ण संख्या जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाएगी। अगला बोलते हैं आपसे क्या? पूर्णांक संख्या।
देखो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। चाहो तो मैं यहां पे सबके साथ में लिख सकता हूं कि ये नेचुरल नंबर होता है, ये क्या होता है आपका होल नंबर होता है, और ये क्या होता है आपका इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है ये। देखो जो इंटीजर नंबर होते हैं उसको क्या किससे डिनोट करेंगे अपन? देखो इनका जो फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट अक्षर होता है, उसी से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, और इसको किससे डिनोट करेंगे? आई से। किससे डिनोट करेंगे? आई से। आपके पास जो पूर्णांक संख्या होती है यानी कि पूरी संख्या होती है, और पूरी संख्या क्या क्या होती है देखो दोस्तों, पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी माइनस इनफाइनाइट से लेके, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। वह सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, जिसमें आपके माइनस वन भी आ जाता है, जीरो भी आ जाता है, दो तीन सब आ जाते हैं। अब देखो इसके बाद में बोलता हूं आपसे कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, क्या धनात्मक पूर्णांक क्या है? देखो ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं और क्या लिखता हूं यहां पे, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका? धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? वो सभी पूर्णांक जो धनात्मक होते हैं, कहां से लेके? एक से लेके इनफाइनाइट तक। आई प्लस धनात्मक पूर्णांक कहां से हो जाएंगे? एक से लेके कहां तक? अनंत तक। कहां तक? एक से लेके इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं उनको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और वही आपके क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे भाई? देखो ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे आपके पास देखो ऋणात्मक पूर्णांक को क्या बोल दोगे आप? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या लिखोगे आप? आई माइनस को क्या लिखोगे आप? माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक? माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वन। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वन। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक इनफाइनाइट जो डिसाइड नहीं है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक एक, जीरो नहीं है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक एक, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस एक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगली संख्या के बारे में बात करते हैं। आपने केवल तीन संख्या देखी अभी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसके बाद में मैं बात करता हूं परिमेय और अपरिमेय की। किसकी बात करता हूं? परिमेय और अपरिमेय की। देखो एक जो मेरा फर्स्ट वीडियो था नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने संख्याओं को ऐसे क्लासिफाइड किया गया है कि पहले कौन सी संख्या आई है और उसकी कौन सी संख्या बाद में क्लासिफाइड होती है। ये मैंने पहले वीडियो में जो एनटीपीसी का वीडियो बनाया था उसमें मैंने उस टाइप से बताया था
यदि किसी, देखो इसके बाद परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सके, जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सके और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाती है आपके, परिमेय संख्या कहलाती है, रैशनल नंबर कहलाता है। जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जाए जहां q नॉट इक्वल टू जीरो हो, वह संख्या क्या कहलाती है आपकी, रैशनल संख्या नंबर कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। मैं आगे बात करता हूं किसमें कैसी कैसी संख्या होती है। तो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास, 2/3, 5/7, 2 भी आपके पास क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 को भी आप क्या लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। उसके साथ साथ परिमेय संख्या में किसी नंबर में दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, क्या किसी नंबर में दशमलव संख्या के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है या फिर किसी नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 0.33333 ये एंड तक आता जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, तो वह संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी वह भी, परिमेय संख्या, वह भी क्या कहलाती है आपकी, परिमेय संख्या कहलाती है। इस बार का मीनिंग है कि यह संख्या इतनी ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट हो रही है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है, कभी शांति नहीं हो रही, इसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। क्या बोलेंगे इसको, अशांत पुनरावृत्ति, यानी कि नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है और वह क्या है, अशांत है, कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आगे देखते हैं अपन अपरिमेय संख्या, कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में देखो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां लगा देते हैं अपन इसके आगे क्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में क्या होगा, देखो आपका इरेशनल नंबर क्या होता है कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाए, जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाएगा वह संख्या क्या कहलाएगी आपकी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जाएगा वह संख्या आपकी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद में बात करता हूं किसकी, कि कौन कौन सी संख्या होगी। तो फॉर एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं कि जितनी भी रूट में वैल्यू आती है ना, अभाज्य संख्या यदि रूट में आ रही है आपकी, वो क्या होगी आपके, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद एक दो नंबर ऐसे हैं पाई और ई, क्या पाई और ई, पाई को आप जानते हो इसका वैल्यू 22/7 भी होता है, लेकिन ये इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट होता है, अदरवाइज जो इसका मान होता है वो कितना होता है, 3.1427 समथिंग आगे चला जाता है इतने नंबर तक, ये कभी शांत नहीं होता है, जो इसका मान होता है पाई का 3.14275 आगे चलता जाता है, उसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ये होता है, ये आपके पास किस में लिया जाता है, ई लॉगरिथम में लिया जाता है, इसका मान होता है 2.717 समथिंग आगे चला जाता है बहुत दूर तक, तो इसको भी क्या करते हैं अपन, नहीं इंक्लूड करते हैं और क्या बोल देते हैं कि ये क्या है आपकी, अपरिमेय संख्या है। दशमलव के बाद यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है,
क्या कोई भी संख्याएं हैं 5, 7, 6, 9, 2, 3 जो कहीं रुकती नहीं है, अशांत संख्या होती है लेकिन यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होती है। दशमलव के बाद अशांत तो है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। आपसे बोला जाए कि 0 आपकी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो 0 एक आपकी परिमेय संख्या है, 0 आपकी परिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आपका ऐसे था कि 0 एक संख्या है, जीरो एक संख्या है। पहला ऑप्शन अभाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन प्राकृत संख्या, तीसरा ऑप्शन परिमेय संख्या और चौथा ऑप्शन भाज्य। क्या दिया था वहां पे कि आपके पास एक अभाज्य था, एक प्राकृत था, एक भाज्य था और एक परिमेय संख्या था, या अपरिमेय भी लिख सकते हो आप इसको, यहां पे अपरिमेय लिख दो एक ऑप्शन अपरिमेय। तो देखो यहां पे जो आपका 0 है वो 0 क्या है? आपका एक परिमेय संख्या है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 एक संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, प्राकृत है या परिमेय है, या परिमेय है, तो वह क्या है? केवल आपकी एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या का भाग होता है, परिमेय संख्या का भाग होता है। मैं लिखता हूं वास्तविक संख्या, एक क्या आती है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या होता है? देखो आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या हो जाएगा? रियल नंबर रियल नंबर क्या होगा? देखो आपका रियल नंबर में क्या होता है? वह सभी संख्या है जिनमें जो परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, यानी कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या बोला जाता है। यानी कि वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। आगे बात करते हैं, वास्तविक संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या की। किसकी बात करते हैं? भाज्य और अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी? कि वह सभी संख्या है जिनमें खुद का और एक का भाग जाता है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। वह सभी संख्या है जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता है, किसका? स्वयं का और एक का भाग जाता है, तो वह क्या कहलाती है आपकी? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर आपका कहलाता है। प्राइम नंबर किसको बोलोगे आप? हुज नंबर आर डिवाइडेड बाई वन एंड इट सेल्फ, यानी कि जो नंबर स्वयं से और एक से डिवाइड होता है वो क्या कहलाता है आपका? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? परिमेय संख्या कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि 1 से 25 तक कितनी परिमेय संख्या होती है? 1 से 25 तक कितनी होती है? 1 से 25 तक 9 परिमेय संख्या होती है।
कितनी होती है, 1 से 25 तक 9 होती है और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 75 तक, 1 से 75 तक कितनी होती है, 21 होती है, और 1 से 100 तक 25 होती है, 1 से 100 तक 25 होती है, और 1 से 200 तक 46 होती है। एक से 200 तक 46 होती है और एक से 1000 तक 168 होती है। कितनी होती है, 168। कितनी होती है, 168। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करता हूं भाज्य संख्याओं की। देखो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, क्या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर किसको बोलूंगा मैं, वो देखिए आप, संयुक्त संख्या, ब्रैकेट में लिख लो भाज्य कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसमें दो से अधिक संख्याओं का, या बोल सकते हो आप दो या दो से, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। जैसे मैं बोल देता हूं कि चार, चार में क्या होता है, दो का भी भाग जाता है, चार का भी भाग जाता है और एक का भी भाग जाता है। चार में आपके पास चार का भी भाग जाता है, दो का भी जाता है और एक का भी जाता है, तो आपकी संयुक्त संख्या या आपके पास भाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, चार से स्टार्ट होती है। ये कहां से स्टार्ट होती है, चार से स्टार्ट होती है। जिन संख्याओं में तीन या तीन से अधिक संख्याओं का भाग जाता है क्या कहलाती है, संयुक्त संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्या जिसके एटलीस्ट तीन फैक्टर होना चाहिए, क्या तीन संख्याओं से वह डिवाइड होना चाहिए, वो क्या क्या हो सकती है, चार हो सकती है, चार से ज्यादा क्या हो सकती है, छह हो सकती है और आठ हो सकती है। ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक जा सकती है। अभी फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन, कि एक से 100 तक, एक से 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है, या एक से 100 तक कितनी संयुक्त संख्या होती है। तो देखो आप क्या जानते हो कि एक से 100 तक 25 तक तो अभाज्य संख्या होगी, और एक ना अभाज्य है ना भाज्य है, तो कितने होंगे 25 और एक 26, तो यानी कि जो बची आपके कितनी 74 संख्या, वो क्या कहलाती है आपकी संयुक्त संख्या। यानी कि एक से लेकर 100 तक 74 आपके क्या होती है, संयुक्त संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक मैंने सारी संख्याओं की जानकारी दी है आपको। इसके बाद में आपको कल संख्याओं से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को बोलते हैं कि भैया पटवारी का धमाका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।